उद्यापित है 67वां सर्वभारतीय कबाड़ी प्रतियोगिता। जाजपुर कबाड़ी आसोसिएशन पक्षर खंडितर स्टेडियम चली प्रतियोगितार पुरुष विभाग में चलित बर्ष ईस्टर्न रेलवे दल को परास्त कर साउथ ईस्टर्न रेलवे दल चंपियन होता बेले महिला विभाग में छत्तीसगढ़ दल को परास्त कर पश्चिम बंगर चंदनगर दल चंपियन हो। उद्यापनी उत्सव में मुख्य अतिथि भाव राज्य क्रीड़ामंत्री तुषारकांति बेहरा जोगद उभय चंपियन और रनर्सअप दल को पुरस्कार प्रदान करते। पुरुष विभाग में अनुष्ठित फाइनाल मैच में मुहांमु होते ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे दल। संघर्षपूर्ण फाइनाल मैच में ईस्टर्न रेलवे को 15 पॉइंट परास्त कर साउथ ईस्टर्न रेलवे दल चंपियन होता। से महिला विभाग फाइनाल मैच में छत्तीसगढ़ दल को 2 पॉइंट परास्त कर पश्चिम बंगर चंदननगर दल चंपियन हो। ये टूर्नामेंट हमेशा बहुत अच्छा होता है। मैं 2016 से कंटिन्यू इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम चैंपियन हुआ हूँ। मेरे को खुशी है और काफ़ी अच्छी इतनी कंडीशन में बहुत क्योंकि ऑल इंडिया टूर्नामेंट नहीं हो रहा है, इन ऐसी परिस्थिति में ऑल इंडिया काफ़ी अच्छा आयोजन करवाया है और काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी हमारा मैच काफ़ी टफ था क्योंकि वो दूसरी टीम भी हमारे कोलकाता की है तो दो भाइयों में ज़्यादा कंपटीशन होता ही है। हाँ, ये काफ़ी अच्छा मैच की फैसिलिटी वो टूर्नामेंट में मिलती है लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एक चीज़ थी, बारिश भी आई उसको भी कवर किया कमेटी ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया और नीचे से जो लेवल है ग्राउंड का वो परफेक्ट बिल्कुल एक जो है नाइस क्वालिफाई हमारे होते हैं वो लेवल है और काफ़ी शानदार मैनेजमेंट द्वारा किया गया। बहुत अच्छा माहौल था, हमारे सारे प्लेयर ने अच्छा खेला इसलिए हमारी टीम जीती। ये था कि हम यहाँ चैंपियन होकर जाए। फाइनल में कौन कौन टीम थे? फाइनल में हम और छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ की टीम थी। सर बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का और पब्लिक भी बहुत अच्छा है। हाँ सर, हम जानते थे कि हम चैंपियन होंगे। पहली बार मैट में जो टूर्नामेंट हुआ कैसा? बहुत अच्छा हुआ सर। इसके पहले हम यहाँ पर आए हो तो मिट्टी पर होती थी, ये फर्स्ट ईयर है जो मेट पर हुई है, वो तो जब होंगे तब पता चल ही जाएगा सर। हाँ सर, ये बार बार होने चाहिए। चलित बर्ष ही प्रतियोगिता राज्य तथा राज्य बाहर 28 कोटी दल अंशग्रहण करते। उद्यापनी दिवस पुरस्कार वितरण उत्सव में राज्य क्रीड़ामंत्री तुषारकांति बेहरा मुख्य अतिथि भाव जोगदेता बेले धर्मशाला मान्यवर विधायक प्रणव बलवंतराय सम्मानित अतिथि भाव जोगदे खेला पुरस्कृत करते। जाजपुर कबाडी आसोसीएसन खंडितर तरफ 67वां सर्वभारतीय कबाडी टूर्नामेंट आज फाइनाल सबुबे ए अंचल दीर्घ 67 वर्ष धरी ए टूर्नामेंटर आयोजन होती। राज्य सरकार तरफ जितेबले जहाँ सहयोग मागिचंती कबाडी आसोसीएसन सबुबे सरकार आग को आसिक देती चलित थर तर मैट्र आवश्यकता थी दि जाए मान्यवर मंत्री 2019 आसी देखि आगामी दिन में स्टाडियम उन्नति जहाँ आवश्यकता अच्छी राज्य सरकार निश्चिंत भाव से प्रोत्साहन मिले मोपाई खेल नुआ नुहे मुझे छोट बल खेल देखी आसी खाली समय पर समय संग को परेशर पर बुझुली प्रो कबाडी भी 12 जन ऊर्ध खेला आसिक खंडितर भाया गाँव में खेलु सेटा आम अंचल गर्व गौरव। 2019 खंडितरा को मुझे आसी प्रथम दायित्व नाला रज टाइम सेठी आयोजन कराइला नेशनल चैंपियनशिप कबाड़ बोथ मेन्स एंड वोमेन्स आउ 2 वर्ष धरी मुझे बंद थी बोली शुणिली कोरोना जो आज पुणी आसी 2022 67वां नेशनल चैंपियनशिप जो हूँ सर्वप्रथमें जाजपुर कबाड़ी आसोसीएसन बहुत बहुत शुभेच्छा अभिनंदन जनईबी एमती गोटे सर्वभारतीय स्तर जो मैच आयोजन कर 67 वर्ष धरी आगुक चालू रहुत बहुत अभिनंदन जनईबी और कृतज्ञता ज्ञापन करी धर्मशाला मान्यवर विधायक श्री प्रणव बलवंतराय को निजस्व उद्यम से एथर टर्फ पकई एटी मैच पे आयोजन कर जो दाबी थिला जे एटी जेहेतु बहुत प्लेयर से खेली ओडिशा पुलिस और विभिन्न डिपार्टमेंट चाकरी करती कोचेस रोचे राउंड द इयर कोचेस मैंने ट्रेनिंग देखते लोकाल पिला तेणु आगामी दिन में किपर जो आरिनाटा ओपन अच्छी क्लोज करापी से डिमाण रखते स्पोर्ट्स विभाग तरफ आम निकटे आप जानते अणानबी जगह मल्टीपर्पज इंडोर मैनेवर मुख्यमंत्री सांसन करम आरंभ हो तेनाली जेहेतु अर्बान लोकाल बेडर ना कि आगामी दिन में यी प्रत्येक वर्ष जेहतु नेशनल लेवल चैंपियनशिप होती है आगामी दिन में चेस्टा करूँ किपर ये ओपन आरिना को आम क्लोज करूँ यार स्टैंड कैपासीटी को बढ़ावाई चेस्टा कर। रसलपुर आलोक पहिंका रिपोर्ट जाजपुर न्यूज़।